कि हम आपके नाम का भजन कीर्तन सत्संग घर पर है, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि इसी वक्त कुछ लोग अलग अलग जगह बिजी हो, कहीं और व्यस्त हो, अपने और जरूरी कामों में लगे, मगर आप अपने खुद के नसीब देखिए, आप अपने नसीब जगह यहाँ आकर कि परमात्मा ने आपको इतना अच्छा वक्त दिया है जहां आप आराम से बैठे हैं और दुनिया के मालिक आपके सामने बैठे हैं और आपको भी सभी सुविधा दी कि आप अपने स्थान पर बैठे, वहीं बैठे बैठे चाय प्रसाद, वहीं बैठे बैठे लंगर प्रसाद आपको दिया। ये नसीब की तो बात, बहुत नसीबों के बाद ऐसे गुरु मिलते हैं जो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपकी श्रद्धा पुष्प मांगते, आपकी सच्ची भावना, अपनी भावना अर्पण कर दीजिए प्रभु के चरणों में, देखिए वो आपको सब कुछ दे देंगे। और यहां आकर मांगने की जरूरत नहीं, ये वो दरबार है जहां सिर्फ माथा टेकने से, सिर्फ आ जाने मात्र से वो परमात्मा सब सुन लेते हैं, सब जान लेते हैं, जानी जान है दिलों की जान। जोर जोर से चीख कर चिल्ला कर जयकारे लगाने की कोई जरूरत, प्यार से श्रद्धा भावना से मन में बोलिए जय गुरु जी और देखिए वो कैसे सत्य। सत्संग सेवा सिमरण करिए, ते भक्ति दावी दान देओ, तेरे गुण सागर कृपो सुर कलम जैसी जान देओ, तू ब्रह्म ज्ञान का सागर, ऐसा नहीं गुरु जी कि असीं मंग रहे हैं गुरु जी ये कर दे, गुरु जी वो सुन ले, सानू सच्चा विश्वास है, पक्का विश्वास है, अटूट विश्वास, सानू पता है तुसी बदल सकते हो, सानू पता तुसी कर सकते हो, सानू पता बदल तो सकता है, सानू पता बदल तो सकता है, हथा दिया लकीरां मथे दिया लकीरां कर कृपा बहरा दे साया कट दुखा दिया जंजीरां कर कृपा बहरा दे साया कट दुखा दिया जदीरानो कट दुखा दिया जदीरानो। जय जय।